हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में डिज़ाइनर फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। इसके लिए मैंने 3.5 मीटर का कॉटन फैब्रिक लिया है और हाफ मीटर का मैंने प्लेन इनर फैब्रिक लिया है। तो पहले मेन फैब्रिक पर फ्रॉक के टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को ओपन करेंगे, अब इस फैब्रिक को ओपन कर लेंगे और इसको फोर लेयर में फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर लिया है, ये फोल्डेड साइड है और इसके दूसरे साइड ओपन साइड है और फोर लेयर में है। अब फ्रॉक के टॉप पार्ट की लेंथ की मार्किंग करेंगे। फ्रॉक के टॉप पार्ट की रेडी लेंथ 14 इंच है, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, वह दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा, तो 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। सेम तरीके से इसके दूसरे साइड भी 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे। फोल्डेड साइड से शोल्डर 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग पर टेप रखेंगे, आर्म होल भी सेम 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों पॉइंटों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस मार्किंग को 3 से 4 इंच आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब इस कॉर्नर पर टेप रखेंगे और 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब राउंड शेप में बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल दोनों की मार्किंग कर ली है। अब यहीं से फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। जैसे फिटिंग है 36 इंच तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा, 9 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। फिटिंग है 32 इंच तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसी तरीके से जितनी भी आपकी फिटिंग है उसको 4 से डिवाइड करना है, जितना आएगा उसकी मार्किंग कर लेनी है। अब दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मार्जिन की मार्किंग करेंगे, इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और आगे की तरफ 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दूसरी साइड भी 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक की विड्थ की मार्किंग करेंगे। फोल्डेड साइड से नेक विड्थ 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर की 1/2 इंच डाउन मार्किंग करेंगे। अब नेक वाले पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रॉक के टॉप पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। फ्रंट नेक की लेंथ 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से 3.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे। पहले एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद फ्रंट नेक की राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे। फ्रंट नेक की मार्किंग कर ली है, अब बैक नेक की मार्किंग करेंगे। बैक नेक की लेंथ 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और बैक नेक की भी राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे। फ्रॉक के टॉप पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। पहले बैक नेक की और बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है, अब इसमें से बैक वाले पार्ट को अलग निकाल लेंगे। फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। अब इसके नेक की और आर्म होल की कटिंग कर देंगे। मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है, बस एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। नेक की और आर्म होल की कटिंग कर ली है, अब इसको ओपन कर लेंगे। फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर रखा था तो इसमें से दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर ली है। अब इनर फैब्रिक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर लिया है, ये ओपन साइड है और फोर लेयर में है। अब इसके ऊपर टॉप पार्ट का बैक वाला पार्ट रखेंगे। बैक वाले पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे, चारों तरफ से सेट कर लेंगे। अब टॉप पार्ट के बराबर मार्किंग कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप इसको पिनअप कर लें चारों तरफ से, उसके बाद इसकी सेम मार्किंग कर लें। टॉप पार्ट के चारों तरफ से बराबर मार्किंग कर ली है, अब टॉप पार्ट को हटा देंगे। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसको ओपन करेंगे। अब इसमें से एक पार्ट को अलग निकाल लेंगे, इस पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। अब इसमें से मेन फैब्रिक का टॉप पार्ट का फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। अब इसके नेक के और आर्म होल की सेम कटिंग कर लेंगे। इनर फैब्रिक पर भी आर्म होल की और नेक की सेम कटिंग कर ली है। टॉप पार्ट के दोनों मेन पार्ट को और दोनों इनर पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब फ्रॉक के बॉटम पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर लिया है। फोर लेयर में फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ 21 इंच है और सिंगल लेयर में फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ है 42 इंच।
अब बॉटम पार्ट की लेंथ की मार्किंग करेंगे। अब बॉटम पार्ट की लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। जैसे फ्रॉक की रेडी लेंथ है 42 इंच, 14 इंच टॉप पार्ट का माइनस कर देंगे तो 28 इंच बचेगा, प्लस 1 इंच करेंगे मार्जिन के लिए, वह सिलाई में चला जाएगा। तो फ्रॉक के बॉटम पार्ट की लेंथ 29 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर टेप रखेंगे और 29 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। फैब्रिक पर टेप रखते जाएंगे और 29 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। अब सारे पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था तो फ्रॉक के बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट के एक साथ कटिंग कर ली है। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है, फोल्डेड साइड है और इसके दूसरी साइड ओपन साइड है और 4 लेयर में है। अब स्लीव्स की लेंथ का मेजरमेंट करेंगे। जैसे स्लीव्स की रेडी लेंथ है 15 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, वह दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा तो 16 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसकी दूसरी साइड भी 16 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसकी विड्थ 10 इंच है। ओपन साइड से 3 इंच डाउन मार्किंग कर लेंगे। अब फोल्डेड साइड से स्लीव्स के आर्म होल की शेप देते हुए मार्किंग कर लेंगे। पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे। स्लीव्स की बॉटम साइड से विड्थ 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग कर रखे एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। स्लीव्स की कटिंग कर ली है, अब स्लीव्स को ओपन कर लेंगे। स्लीव्स की अंदर की साइड दोनों उल्टी साइड हैं। अब स्लीव्स के फ्रंट साइड से 1/2 इंच की कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था तो दोनों स्लीव्स की एक साथ कटिंग कर ली है। पहले फ्रंट वाले नेक को रेडी कर लेंगे। टॉप पार्ट के फ्रंट पार्ट को राइट साइड से रखेंगे। पहले इस स्ट्रिप को मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। मैंने ये स्ट्रिप ले ली है, फ्रंट नेक के सेंटर में लगाएंगे। इसकी विड्थ 2 इंच है और इसकी लेंथ है 13 इंच। इस स्ट्रिप को दोनों साइड से 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इसको फ्रंट नेक के सेंटर में अटैच कर लेंगे। स्ट्रिप के दोनों साइड 1/2 इंच फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। फ्रंट पार्ट को राइट साइड से रख लिया है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर एरिया है। इसके सेंटर एरिया के ऊपर ये स्ट्रिप रखेंगे। स्ट्रिप का भी सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। स्ट्रिप को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर रख लेंगे। अब इस स्ट्रिप के दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इनर को इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे। अब नेक के ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब बैक नेक को रेडी कर लेंगे। बैक नेक को राइट साइड से रख लिया है और इसके ऊपर इनर को उल्टी साइड से रख लिया और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। फ्रंट नेक पर सिलाई लगा दिया है। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे सिलाई को बचा कर, जिससे नेक ईजिली फोल्ड हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। एक्स्ट्रा स्ट्रिप को कट कर देंगे और सेंटर में भी एक कट लगा देंगे। अब इनर को उल्टी साइड फोल्ड कर देंगे, चारों तरफ से सेट कर लेंगे। अब स्ट्रिप के दोनों साइड सिलाई लगा देंगे और नेक पर भी सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के साथ। आर्म होल पर और साइडों में सिलाई लगा के इनर अटैच कर लेंगे। फ्रंट नेक पर इनर अटैच कर लिया है और सेंटर में स्ट्रिप अटैच कर लिया है। सेम तरीके से बैक नेक को भी रेडी कर लिया है और बैक वाले पार्ट पर इनर अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे। शोल्डर को शोल्डर से मिला लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते सिलाई लगा लेंगे। फ्रॉक के टॉप पार्ट के दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब फ्रॉक के टॉप पार्ट को फैलाकर राइट साइड से रख लेंगे। अब इसके ऊपर स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स को इसके ऊपर उल्टी साइड से रख लेंगे। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे। अब स्लीव्स के फैब्रिक को इस तरीके से टर्न करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से दूसरे स्लीव्स के पार्ट को भी टर्न करते हुए सिलाई लगाएंगे और दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। फ्रॉक के टॉप पार्ट पर दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब स्लीव्स को बॉटम साइड से फोल्ड कर लेंगे। पहले 1/2 इंच से भी कम फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी फोल्ड कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है। अब फ्रॉक के बॉटम पार्ट को रेडी कर लेंगे। बॉटम पार्ट में प्लेट्स डाल लेंगे। पहले बॉटम पार्ट का सेंटर पॉइंट निकालेंगे और इसके सेंटर में एक मार्किंग कर लेंगे। बॉटम पार्ट का सेंटर पॉइंट निकाल लिया है और इसके सेंटर में मार्किंग कर ली है।
बॉटम पार्ट में 6 प्लेट डालेंगे। दो दो प्लेटों का मुंह आमने सामने करेंगे। इस साइड से फैब्रिक उठाएंगे और सेंटर में एक प्लेट डाल लेंगे। अब यहाँ से फैब्रिक उठाएंगे और इस प्लेट का मुंह दूसरी साइड कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड से फैब्रिक उठाएंगे और इस प्लेट का मुंह दूसरे वाली प्लेट की साइड कर लेंगे। प्लेट की विड्थ 1.5 इंच है और दोनों प्लेटों के बीच का जो गैप है वो 3 इंच रखा है। इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे 1.5 इंच और दूसरी प्लेट के बराबर रख देंगे। अब यहाँ पर टेप रखेंगे और 3 इंच का गैप रखते हुए एक प्लेट और डाल देंगे। उसके बाद एक प्लेट और डाल देंगे और दूसरी प्लेट के बराबर रख देंगे। एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर इसके ऊपर रख देंगे। अब इसको पिनअप कर लेंगे। अब इसकी जो विड्थ है टॉप पार्ट के बराबर होनी चाहिए। इसके ऊपर टॉप पार्ट रख के देख लेंगे। बॉटम पार्ट की विड्थ टॉप पार्ट के बिल्कुल बराबर आ रही है। सेम तरीके से फ्रॉक के बैक पार्ट में भी इसी तरीके से प्लेट्स डाल लेंगे। बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट में प्लेट्स डाल लिए हैं और इसको पिनअप कर लिया है। अब दोनों पार्ट के बॉटम पार्ट में 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट में सिलाई लगा ली है। अब फ्रॉक के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे। टॉप पार्ट को राइट साइड से रखेंगे, उसके ऊपर बॉटम पार्ट को उल्टी साइड से रखेंगे, यानी दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे। सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे। सेम तरीके से बैक पार्ट के टॉप और बॉटम को अटैच कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। फ्रॉक के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करके फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है। अब फ्रॉक को उल्टी साइड से फोल्ड कर लेंगे। फ्रॉक को उल्टी साइड से फोल्ड करके दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर रखी है। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। फ्रॉक के दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब फ्रॉक को बॉटम साइड से फोल्ड कर लेंगे। पहले 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे, एक बार और फोल्ड कर लेंगे। चारों तरफ से इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। फ्रॉक को बॉटम साइड से फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है और मैंने ये स्ट्रिप ले ली है। इसकी लेंथ 3.3 इंच है और विड्थ है 1.5 इंच। इस स्ट्रिप को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इस स्ट्रिप को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। मैंने 5 स्ट्रिप बना के रेडी कर ली है। अब इस स्ट्रिप को टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट के सेंटर में अटैच कर लेंगे। दोनों साइड से स्ट्रिप को 1/2 इंच अंदर की साइड से फोल्ड कर लेंगे। एक स्ट्रिप के कॉर्नर को टॉप पार्ट पर, दूसरे कॉर्नर को बॉटम पार्ट पर अटैच कर लेंगे और इसके दोनों साइड डबल सिलाई करके इसको लॉक कर देंगे। और इसके दूसरी साइड भी एक स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। सेम 3 स्ट्रिप इसके बैक साइड में अटैच कर लेंगे। फ्रॉक के सेंटर में 2 स्ट्रिप आगे की साइड और 3 स्ट्रिप बैक साइड अटैच कर ली है। इसमें से बेल्ट अटैच कर लेंगे या डोरी अटैच करके रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्लेटेड फ्रॉक बन के रेडी हो गया है। इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ के फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो गाइज, मैं अपने चैनल पर इसी तरीके के डिज़ाइनर फ्रॉक, कुर्तीज़, लहंगा, गाउन की वीडियोज़ डे बाई डे अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।